कुमाऊं के आईजी अजय रौतेला ने दिनेशपुर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आईजी ने सहस पत्र वालियों का भी बारीकी से निरीक्षण किया और साथ ही पुलिस कर्मियों के शस्त्रों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर पुलिस कर्मियों को फटकार भी लगाई गई। दरअसल 4 घंटे के निरीक्षण के दौरान शस्त्रों को चलाने और उनके रखरखाव से लेकर पुलिस कर्मियों से किसी भी आपातकालीन स्थिति में निपटने एवं शस्त्रों का प्रयोग करने के बारे में जानना और हवाई फायर करवा के शस्त्रों का निरीक्षण भी किया गया। आपको बता दें, आगे की बातचीत में अजय रौतेला ने मीडिया से कहा कि शस्त्रों के परीक्षण के साथ ही उन्हें चलाने की जानकारी से लेकर पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद खामियों से थाना अध्यक्ष को अवगत करा दिया गया है। ड्यूटी मिलान में भी कमी पाई गई है, इसे तत्काल दुरुस्त कराने के दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। बड़ी समस्या है, इसमें बड़ी समस्या है, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ कार्रवाई हुई है, और निर्देशित किया जाएगा कि और मेजर कार्रवाई करें। अगर आपके पास कोई सूचना है बता दें। जशकी सर, बाईपास जो रोड गई, बहुत आए दिन दुर्घटना हो रही है, बहुत बड़े खड्डे भी है और इसमें मतलब काफी मात्रा शाम को गाड़ी चलती है, कैसे है आपका? बीच में आपका शहर के बीच में एंट्री है, तो एक रूट है आपका। सड़क जहाँ तक खराब है तो इसलिए संबंधित विभाग को आप बताएं, ज्यादा बेहतर हो। पुलिस जो इतना रेगुलेट कर सकती है, ट्रैफिक को रेगुलेट करेगी। कुछ जरूरी दिशा निर्देश इनको दिए हैं? मैंने ये दिया है भैया, अपना रिकॉर्ड ठीक कर लें, अपना जो कार्रवाई है वो चीज खत्म कर लें, ठीक कर लें। जो इनका मिलान नहीं हो रहा था उसको कर लें, सुधार होना चाहिए। एसपी को भी पता है कि देख लें। अवैध शराब को लेकर के सर निरंतर शिकायत आती है, कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन सर इसकी रोकथाम नहीं हो पाती। आखिरकार क्या करें? तो चलता डिमांड एंड सप्लाई का है, हम लोग तो एक है, सप्लाई खत्म कर सकते हैं। कहीं अगर पुलिस इसमें इन्वॉल्व है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। आपके यहाँ पे काफी आपका क्षेत्र है जो बॉर्डरिंग एरिया है, शराब बनती है, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं सर। खत्म तो आप सोशल अवेयरनेस पैदा करा दीजिए कि शराब नहीं पिए। जैसा आपने ड्रग्स के बारे में पूछा, उसमें अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, लोगों को पता रहे कि ड्रग्स कितना खराब है। एक पुलिस का काम तो है कि सप्लाई जो हो रही है उसको पकड़े, वो नहीं है, लेकिन एक सोशल अवेयरनेस भी होना जरूरी है। आपका ये कर दिया है किस तरह 22 मिनट।